नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट बीएड। बीएड के अंदर किस तरीके से एक हाई परसेंटेज आप स्कोर कर सकते हैं, स्पेशली डिस्टिंक्शन आप ला सकते हैं। देखिए, मैंने अपनी बीएड में स्कोर किया था 78%। सो ये स्कोर मैंने कैसे किया, इट वाज लाइक 77.6%, तो राउंड ऑफ में 78 है। तो ये परसेंटेज मैंने कैसे स्कोर किया, प्लस कौन सी यूनिवर्सिटी से किया, कहाँ पे इतनी परसेंटेज दी जाती है, साथ में देखिए सिर्फ मतलब कम तैयारी करके आप कैसे वो परसेंटेज जो है वो स्कोर कर सकते हैं। सो दिस साइड योर होस्ट दोस्त प्रिया सिग्रोहा। यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो अंत में लास्ट में लाइक ज़रूर करिएगा। देखिए 78% स्कोर करना कुछ यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ईजी होता है, ठीक है। जैसे मैं बिहार की परसेंटेजेस देखती हूँ तो बिहार में 80% बहुत नॉर्मल है आना, 90% तक भी जाता है। पर मैंने अपनी बीएड करी थी हरियाणा यूनिवर्सिटी से। हरियाणा की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें अगर आप देखते हो तो वहाँ पे इतनी परसेंटेज आना, मतलब लास्ट वहाँ पे जो परसेंटेज जाती है मैक्सिमम 85 तक जाती है, वरना वो भी कुछ कुछ बैचेस में, ठीक है, वरना एवरेज 80-82 रहती है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स के जो है 70s में मार्क्स रहते हैं, कुछ के 60s में, तो इस हिसाब से परसेंटेज होती है। मेरे को हमेशा से ही एक चीज़ थी कि मुझे 75% प्लस लेके आने हैं। मैं उस टाइम पे जो है मैंने देखो ऑलरेडी पहले अपना DLED का कोर्स किया हुआ था 12th के बाद, तो जब मैंने अपनी BEd करी, ठीक है, तो वहाँ पे मैं ऑलरेडी वर्किंग थी, ठीक है, मैं अपनी BEd भी कर रही थी, साथ में मैं जो है अपना जॉब को भी संभाल रही थी। ऑल्दो मुझे जॉब से बहुत इररेगुलर थी जॉब, मतलब बीच बीच में गैप लेना पड़ रहा था अपनी बीएड के लिए, क्योंकि मेरा रेगुलर कोर्स था। ऑल्दो देखिए बीएड के साथ आप जॉब नहीं कर सकते हो, बट मैं जो जॉब कर रही थी उस टाइम पे वो सिर्फ एक प्राइवेट स्कूल में एज अ पार्ट टाइम मैं कर रही थी कि ताकि मेरी कुछ अर्निंग्स हो जाए, ठीक है, इकोनॉमिकली मैं अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए और एक साइड बाय साइड एक्सपीरियंस भी आ जाए उसके लिए वो जॉब कर रही थी। कोई परमानेंट या पक्की जॉब वो नहीं थी। सो मेरा पूरा फोकस मेरी बीएड पे ही था, बट स्टिल दोनों चीज़ों को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता था। तो एग्ज़ाम से मैं बात करूँ, मैंने सिर्फ 2-2.5 महीने पहले पढ़ाई करी होगी और उसी में मैंने 78% प्लस स्कोर किया था, जो कि मेरी यूनिवर्सिटी में एक अच्छी परसेंटेज है। मेरे बैच में हाईएस्ट परसेंटेज 81% गई थी, 81.3% या 4% ऐसा कुछ था, तो राउंड ऑफ में 81 ही था, तो 81 मेरी बैच में हाईएस्ट गई थी। तो पे आप हाईएस्ट परसेंटेज को देख के ये अनुमान लगा सकते हो कि 78 भी एक बहुत अच्छी परसेंटेज थी जो मैंने स्कोर करी थी, और वो भी केवल 2-2.5 महीने की प्रिपरेशन में थी। एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने उतना डीप में नहीं पढ़ा था, मैं सिर्फ हमेशा स्मार्ट स्टडी करती हूँ और एग्ज़ाम ओरिएंटेड मेरे को पढ़ना था। क्यों मेरे को यहाँ पे नॉलेज की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने ये देखा जो चीज़ें मैंने अपनी DLED करी थी 12th के बाद 2 साल की, मैंने वो करी थी SCERT से, तो मैंने ऑलरेडी वो वहाँ पे सारा कंटेंट पढ़ा था। बल्कि मैं आपको बताऊँ, वो 2 साल का जो SCERT का डिप्लोमा कोर्स था उसका ज़्यादा सिलेबस इन्हेंस था, उसमें मैंने ज़्यादा लर्न किया एज़ कम्पेयर टू माई बीएड। वो फुल टाइम था, मतलब हमारा कॉलेज सुबह 9 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक होता था, फुल टाइम मंडे टू सैटरडे, सिर्फ वीक ऑफ एक मिलता था, प्रॉपर इंटर्नशिप हुई थी। उसमें मैं ऑलरेडी वो सब चीज़ें सीख चुकी थी जो बीएड में सिखाई जा रही थी, बल्कि यहाँ पे बीएड के करिकुलम में मुझे कम चीज़ें लगी, वहाँ पे ज़्यादा थी, क्योंकि बीएड के अंदर मुझे सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स पेडागोजी के चुनने थे और SCERT का जो DLED का कोर्स होता है उसमें आपके 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, और इसके अलावा वर्क एक्सपीरियंस, आर्ट एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, ये सारे सब्जेक्ट्स भी जो स्कूल के अंदर पाए जाते हैं वो सब होते हैं। सो यहाँ पे मुझे सिर्फ अपने जो कॉन्सेप्ट्स थे उनको रिवाइज करने की ज़रूरत थी, क्योंकि बीच में सिर्फ मेरी ग्रेजुएशन थी, राइट। सो दिस इज़ बाकी देखिए 78% स्कोर करने का सबसे मेन था आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग की टिप्स मैंने ऑलरेडी आपको दी हुई है। मैं अपने आंसर्स को कभी भी पैराग्राफ्स में नहीं लिखती हूँ, क्योंकि आज की डेट में मैं भी चेकिंग करने जाती हूँ तो मुझे पता है कि रिक्वायरमेंट क्या होती है टीचर्स की। व्हेन वी सिट इन अ मीटिंग वी डिस्कस इट इन अ ग्रुप,
किसी भी टीचर को पैराग्राफ राइटिंग पसंद नहीं होती है, ये बात समझ लो। आपको लगता होगा पैराग्राफ भाई ऊपर से नीचे तक भर भर के लिखेंगे तो मार्क्स मिलेंगे, इट्स नॉट लाइक दैट। ये आपका भ्रम है, इसको हटा दो, मिथ है ये। आपको अपना जो आंसर है वो पॉइंट वाइज लिखना है, सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड वे में होना चाहिए। उसमें फ्लो चार्ट तो बिल्कुल डालना ही है, कंपल्सरी है, हर एक आंसर में आपको फ्लो चार्ट डालना है। उसके अलावा मैं बात करूँ तो आपको पॉइंट वाइज आंसर्स लिखने हैं, बुलेट पॉइंट्स बनाइए, एरो मार्क्स बनाइए एज अ बुलेट, उसमें लिखिए। पैराग्राफ भी कई बार डालने की ज़रूरत पड़ती है कॉन्क्लूजन में या इंट्रोडक्शन में, तो उसमें शॉर्ट पैराग्राफ्स डालिए, समझ रहे हो आप? आपको 4 से 5 लाइन का शॉर्ट पैराग्राफ डालना है, ये नहीं आप भर भर के आधा पेज एकदम से स्ट्रेट डाल रहे हो, उसमें मार्क्स डेफिनेटली नहीं मिलेंगे, एग्जामिनर्स को ये रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। जैसे देखो आप कुकिंग करते हो, कुकिंग में क्या होता है आप सब कुछ एक मात्रा में डालते हो, उसकी एक प्रेजेंटेशन होती है, ऐसे ही नहीं है कि आपने कुकर में सब्जी बनाई है तो आप कुकर में ही सर्व कर दोगे, नहीं ना, आप उसको थोड़ी क्वांटिटी में सर्व करोगे, अच्छे से उसकी प्लेटिंग करोगे। तो ऐसे ही आंसर्स के साथ भी होता है, आंसर्स को भी आपको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, ऐसा नहीं आपने जो पढ़ा है सब पढ़ा है या बुक की लैंग्वेज में एज इट इज़ लिख दिया, अपनी लैंग्वेज में लिखना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज पता है क्या फील होता है, अगर रटा रटा आंसर लिख दोगे कि आपने कहीं से चीटिंग करी है, तो प्लीज़ अपनी लैंग्वेज में लिखो, समझ के लिखो। भाषा की थोड़ी बहुत इधर उधर मिस्टेक होती है, जैसे आर्टिकल्स की, प्रपोजिशंस की, उनसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता एग्जामिनर्स को, वी जस्ट वॉन्ट कि आप अच्छे आंसर्स हमें लिख कर दो, प्रॉपर सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और वो बात मुझे पता चल जाए एज एन एग्जामिनर, राइट? तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है दोस्तों, इसी तरीके से आपको आंसर लिखना है और इससे डिस्टिंक्शन डेफिनेटली आएगी। और ये ना सोचे कि लाइक मैं एग्ज़ाम से 2 दिन पहले पढ़ूंगा, 3 दिन पहले पढ़ूंगा तो बहुत अच्छी परसेंटेज आएगी, वहाँ सिर्फ आप पास होगे, उसमें भी बुक लेकर पढ़ने कभी मत बैठना, गो फॉर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स अगर आप 1 हफ्ते पहले 1.5 हफ्ते पहले प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, वरना कम से कम 2 महीने पहले प्रिपरेशन आप शुरू करो अपने एग्ज़ाम्स की, अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। आप बुक्स ना लेकर नोट्स को प्रेफर करो, जो ऑलरेडी किसी ने स्टडी करके आपके लिए बुक्स को प्रिसाइज फॉर्म में जो है ऑलरेडी चीज़ों को दिया हुआ है एक इजी लैंग्वेज में, उनको आप यूज़ कर सकते हो। साथ में प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देखना बहुत ज़रूरी है। मैंने जितने कोर्सेज, आई हैव डन 3 मास्टर्स कोर्सेज, तीनों में डिस्टिंक्शन है मेरी, इसके अलावा बीएड में डिस्टिंक्शन है, एमएड में डिस्टिंक्शन है, ग्रेजुएशन में डिस्टिंक्शन नहीं आ पाई थी, द रीज़न बिहाइंड दैट आई वाज नॉट वेल, तो मैं उस एग्ज़ाम्स में इतना फोकस नहीं कर पाई थी। उसके अलावा 10th 12th हर एक चीज़ में मैंने डिस्टिंक्शन स्कोर किया, द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ क्योंकि मैं हमेशा स्मार्ट स्टडी करती रही, प्रीवियस ईयर पेपर्स पे हमेशा मैंने फोकस किया, पिछले 5 साल के पेपर्स मैं उठाती थी, उसमें से भी 3-4 साल के किए, पिछले 5 का बस देख लिया कि भाई एक आधा कोई क्वेश्चन न्यू तो नहीं आ गया, जस्ट टू सी, वरना 3-4 साल के पिछले प्रीवियस ईयर पेपर्स मैं थॉरोली करती थी और वहाँ से ही मुझे पता होता था कि पेपर आएगा। चाहे मैं इग्नू यूनिवर्सिटी की बात करूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूँ, SCERT की बात करूँ, NCERT से कोई कोर्स अगर आप कर रहे हो, या कोई हरियाणा की यूनिवर्सिटी है, यूपी की यूनिवर्सिटी है, या कोई स्टेट यूनिवर्सिटी है, ये फंडा सबका यूज़ होता है। IP यूनिवर्सिटी, आई हैव डन अ गाइडेंस एंड काउंसलिंग कोर्स फ्रॉम देयर ऑल्सो, तो वहाँ का भी यही फंडा है, प्रीवियस ईयर पेपर से आते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप ये चीज़ें ज़रूर अपनाइएगा, इससे मैं दावे के साथ कह सकती हूँ आपकी एक अच्छी परसेंटेज ज़रूर आएगी, 75%+ तो आप डेफिनेटली स्कोर करोगे। बाकी आप देखो अपने प्रीवियस ईयर में कि हाईएस्ट परसेंटेज आपकी यूनिवर्सिटी में कितनी जाती है। जैसे मेरी परसेंटेज देख के कुछ स्टूडेंट्स बोल देते हैं, अरे हमारी यूनिवर्सिटी में तो ये नॉर्मल है, बिहार में जैसे मैंने आपको बताया 90% ईजिली आ जाते हैं, 80% तो बहुत स्टूडेंट्स के आते हैं। औरों के उससे अपने आप को कंपेयर ना करें, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का एक अपना तरीका है परसेंटेज देने का, जो चेकिंग करते हैं उनको भी लिमिटेड करा हुआ होता है कि इससे ज़्यादा परसेंटेज नहीं देनी है, कुछ क्राइटेरिया सेट होते हैं, तो देखिए वो ठीक भी है, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के अनुसार उसको देखिएगा। तो यही बातचीत आज की इस वीडियो में मुझे आपसे करनी थी, मैं उम्मीद करती हूँ मेरा एक्सपीरियंस आप सबके काम आएगा और आपको एक अच्छी परसेंटेज, मुझसे भी अच्छी परसेंटेज स्कोर करने में हेल्प करेगा। आपका जब एग्ज़ाम हो जाए और ये टिप आपके काम आए तो प्लीज़ इस वीडियो में वापस आके कमेंट ज़रूर करिएगा आपको कितना हेल्प किया।
अगर इसके अलावा आप भी कोई टिप्स फ्यूचर में स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देखेंगे उनको समझाना चाहते हैं, तो प्लीज़ उन टिप्स को आप कमेंट करिए ताकि वो स्टूडेंट्स भी रीड कर पाएँ। बाकी आंसर राइटिंग किस प्रकार से करनी चाहिए उसका एक सैम्पल मैं आपको हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे और टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर दूंगी, तो दोनों प्लेटफॉर्म्स पे हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।